अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलख़ैर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। आज हम सूरत अल-अनाम की आखिरी आयत यानी 165 से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहुवल्लज़ी, और वही है जिसने जअलकुम, बनाया तुम्हें, खलाइफल अर्ज़ी, जानशीन जमीन में, व रफ़अ, और उसने बुलंद किया, बाज़ाकुम, तुम्हारे एक को, फ़ौक़ा बाज़िन, दूसरे पर, दराजातिन, दराजात में, लियब्लुवाकुम, ताकि वो आजमाए तुम्हें, फीमा, इन नेमतों में जो अताकुम, उसने दी तुम्हें, इन्ना रब्बका, बेशक आपका रब, सरीउल इकाब, बहुत जल्द सजा देने वाला है, इकाब सजा देने वाला है, व इन्नाहु, और बिलाशुबा वो, ला गफूरुर रहीम, अलबत्ता बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने इंसानों को जमीन पर भेजा ताकि वो उसे यके बाद दिगरे आबाद करें, और एक मर जाए तो दूसरा उसका वारिस हो, और जब वो मर जाए तो उसकी औलाद उसकी वारिस बने, और उनके दरमियान फ़र्क मुरातिब रखा, और एक दूसरे को मुख्तलिफ एतबार से फोकियत दी ताकि उन्हें आजमाए, मालदार से क़यामत के दिन सवाल करे कि क्या उसने शुक्र अदा किया, और फ़कीर से पूछे कि क्या उसने सब्र किया। आखिर में अल्लाह ताला ने अपनी मासियत से डराते हुए और अपनी बंदगी की तरगीब दिलाते हुए फरमाया कि बेशक तेरा रब बहुत जल्द सज़ा देने वाला है। उन लोगों को जो उसकी नाफरमानी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं, और जो उसकी और उसके रसूल की अतात करता है, उसकी मग़फ़रत फरमाता और उस पर रहम करता है। वहुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्ज़, यानी उसने तुमको ज़मीन में ऐसी मखलूक बनाया कि तुम नस्लन बाद नस्ल, कर्नन बाद कर्न, और खल्फन बाद खल्फ ज़मीन आबाद करते हो। इरशादी बारी ताला है, आसा रब्बुकुम अन युहलिका अदुवाकुम व यस्तखलिफाकुम फिल अर्ज़ि फयंजुरा कैफा तअमलून। सूरत अल-अराफ में तुम्हारा रब करीब है कि तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर दे और तुम्हें ज़मीन में जानशीन बना दे, फिर देखे कि तुम कैसे अमल करते हो। व रफ़अ बाज़ाकुम फ़ौक़ा बाज़िन दराजात, यानी उसने रिज़्क़, अखलाक, खूबियों, खराबियों, सूरतों, शक्लों और रंगों में तुमको एक दूसरे से मुख्तलिफ कर दिया, और उसमें भी बहुत हिकमत है, जैसा कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, नहनु कसमना बैनहुम मईशातहुम फिल हयातिद दुनिया व रफ़अना बाज़हुम फ़ौक़ा बाज़िन दराजातिन लियत्ताखिज़ा बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया। सूरत अज़-ज़ुख़रुफ़ में हमने खुद उनके दरमियान उनकी मआशियत दुनिया की ज़िंदगी में तकसीम की, और उनमें से बाज को बाज पर दर्जों में बुलंद किया ताकि उनका बाज को ताबे बना ले। और फरमाया उन्जुर कैफा फज़लना बाज़हुम अला बाज़ वलल आखिरतु अकबरु दरजातिम व अकबरु तफजीला। सूरह बनी इसराइल में देख हमने उनके बाज को बाज पर किस तरह फजीलत दी है और यकीनन आखिरत दर्जों में बहुत बड़ी और फजीलत देने में कहीं बड़ी है। लियब्लुवकुम फीमा अताकुम यानी वो तुम्हारी इसमें आजमाइश करे जिसका उसने तुम पर इनाम फरमाया। और तुम्हारा इम्तहान ये है कि वो दौलतमंद को दौलत देकर आजमाए फिर उससे पूछे कि उसने शुक्र अदा किया है या नहीं, और फकीर को फिक्र से आजमाए और इससे ये पूछे कि उसने सब्र किया है या नहीं। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक दुनिया शीरी और सरसब्ज़ो शादाब है और अल्लाह ताला इसमें तुम्हें एक दूसरे के बाद भेजने वाला है और वो ये देखने वाला है कि तुम क्या अमल करते हो। बस दुनिया से बच जाओ और औरतों से बच जाओ कि बनी इसराइल का पहला फितना औरतों के बारे में था। सही मुस्लिम किताब की रवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल में तीन शख्स थे, एक कोढ़ी वाला, दूसरा अंधा और तीसरा गंजा। अल्लाह ताला ने चाहा कि उनका इम्तहान ले, चुनाचे अल्लाह ताला ने उनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी वाले के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज़ पसंद है। उसने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी चमड़ी, क्योंकि मुझसे लोग नफरत करते हैं। फरिश्ते ने उस पर अल्लाह ताला के हुक्म से अपना हाथ फेरा तो उसकी बीमारी दूर हो गई और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया और चमड़ी भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा किस तरह का माल तुम ज्यादा पसंद करोगे। उसने कहा कि ऊंट, या उसने गाय कही। इसहाक बिन अब्दुल्ला को इस सिलसिले में शक था कि कूड़ी और गंजे दोनों में से एक ने ऊंट की ख्वाहिश की थी और दूसरे ने गाय की। फरमाया चुनाचे उसे हामला उठने दी गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। उसने कहा कि उम्दा बाल और मेरा मौजूदा ऐब खत्म हो जाए, क्योंकि लोग इसकी वजह से मुझसे अलग रहते हैं। फरिश्ते ने उसके सर पर अल्लाह ताला के हुक्म से हाथ फेरा तो उसका ऐब जाता रहा और उसके उम्दा बाल आ गए। फरिश्ते ने पूछा किस तरह का माल पसंद करोगे। उसने कहा कि गाय। फरिश्ते ने उसे हामला गाय दे दी और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता अंधे के पास आया और कहा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। उसने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आँखों की रोशनी से फिर फरिश्ता अंधे के पास आया और कहने लगा कि तुम्हें क्या चीज़ पसंद है। उसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे आँखों की रोशनी दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बिनाई उसे वापस दे दी। फिर फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम पसंद करोगे। उसने कहा कि बकरियां। फरिश्ते ने उसे हामला बकरी दे दी फिर तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए जहाँ तक के कूड़ी के ऊँटों से उसकी वादी भर गई। गंजे की गाय बैल से इसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से उसकी वादी भर गई। फिर दोबारा फरिश्ता कूड़ी वाले के पास उसकी उसी पहली शक्लो सूरत में आया और कहा कि मैं एक नहायत मस्कीनों फकीर आदमी हूँ, सफर का तमाम सामान और असबाब खत्म हो चुका है और अल्लाह ताला के सिवा और किसी से हाजत पूरी होने की उम्मीद नहीं, लेकिन मैं तुमसे इसी ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग और अच्छा चमड़ा और माल अता किया एक ऊँट का सवाल करता हूँ जिससे सफ़र को पूरा कर सकूँ। उसने फरिश्ते से कहा कि मेरे ज़िम्मे हकूक़ और हक़ बहुत ज़्यादा हैं। फरिश्ते ने कहा गालिबन मैं तुम्हें पहचानता हूँ, क्या तुम्हें कोहड़ की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुमसे गिन खाते थे? फिर तुम एक फ़कीर और कल्लाश थे, फिर तुम्हें अल्लाह ताला ने ये चीज़ें अता की। उसने कहा कि ये सारी दौलत तो मेरे बाप दादा से चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी पहली हालत पर लौटा दे। फिर फरिश्ता गंजे के पास उसकी उसी पहली शक्लो सूरत में आया और उससे भी वही दरख्वास्त की और उसने भी वही कूड़ी वाला जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। इसके बाद फरिश्ता अंधे के पास आया उसकी इसी पहली शक्लो सूरत में और कहा कि मैं एक मस्कीन आदमी हूँ, सफ़र के तमाम सामान ख़त्म हो चुके हैं और सिवाय अल्लाह ताला के किसी से हाजत पूरी करने की तवक्को नहीं। मैं तुमसे इस ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें तुम्हारी बिनाई वापस दी है एक बकरी मांगता हूँ जिससे मैं अपने सफ़र की ज़रूरियात पूरी कर सकूँ। अंधे ने जवाब दिया कि वाकई मैं अंधा था और अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल से बिनाई अता फरमाई और वाकई मैं फ़कीर व मोहताज था और अल्लाह ताला ने मुझे मालदार बनाया। तुम जितनी बकरियां चाहो ले सकते हो, अल्लाह की कसम जब तुमने अल्लाह का वास्ता दिया है तो जितना भी तुम्हारा जी चाहे ले लो, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं रोक सकता। फरिश्ते ने कहा कि तुम अपना माल अपने पास रखो, ये तो सिर्फ इम्तहान था और अल्लाह ताला तुमसे राज़ी और खुश है और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज़ है। बुखारी की रवायत है। इन्ना रब्बा का सरीउल इकाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मोमिन को इल्म हो जाए कि अल्लाह ताला के पास किस कदर शदीद सज़ाएं हैं तो वो कभी इसकी जन्नत की तमा ना करे, और अगर काफिर को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह की रहमत किस कदर बेपाया है तो उनमें से भी कोई इसकी जन्नत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला ने रहमत के सिवा रहमत के 100 हिस्से किए और उनमें से सिर्फ एक हिस्सा अपनी मखलूक में बांटा है, इसी की वजह से वो आपस में एक दूसरे पर रहमत करते हैं और बाकी 99 हिस्से अल्लाह ताला ही के पास हैं। मुस्लिम की रवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया तो एक किताब में जो उसके पास अर्श के ऊपर है ये लिखा है बेशक मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। मुस्लिम किताब की रवायत है। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी सूरत अल-अनाम उसकी तकमील हो गई, यानी मुकम्मल हो गई इसकी तफसीर। अल्लाह ताला हमें पढ़ने पढ़ाने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जितना हमने पढ़ा है अल्लाह ताला उसे समझने की तौफीक अता फरमाए और उसको समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए और अल्लाह ताला हमें राज़ी कर दे। अल्लाह ताला हमसे ये कबूल फरमा ले। सुभाना रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ाते अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।